कार्यालय पर जिलाधिकारी के विजयन पांडेन ने 26 जनवरी के दिन गणतंत्र दिवस के अवसर पर ध्वजारोहण किया। वहीं जिलाधिकारी सहित मौजूद सभी अधिकारियों ने तिरंगे को सलामी भी दी। इस दौरान कलेक्ट्रेट कर्मचारियों व विभिन्न स्कूलों के छात्र छात्राओं द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति भी दी गई। इस दौरान एडीएम सिटी आर के श्रीवास्तव, एडीएम वित्त राजेश कुमार सिंह, सिटी मजिस्ट्रेट अभिनव रंजन श्रीवास्तव सहित बड़ी संख्या में अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे। हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रबुद्ध संपन्न समाजवादी पत्रनिवेश लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अनुरोध, विश्वास, धर्म और शांति, स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति के गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित कराने वाले बंधुत्व बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपने इस संविधान सभा में एकीकृत इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मसमर्पण करते हैं। साइड दे दिए राजेश जी के बाद पुरुषोत्तम यादव जी, दयाराम भारती जी आ जाइए, पुरुषोत्तम यादव जी, राजकुमार यादव जी जरा जल्दी जल्दी आ जाइए। आप लोग बहुत उत्कृष्ट जो आप लोगों ने अपने कार्यक्रम को प्रस्तुत किए, अपने जिम्मेदारियों का निर्वहन किया, इसके लिए आप सम्मानित हो रहे हैं। विवेक कुमार श्रीवास्तव, राजकुमार यादव जी आ जाइए, नीरज कुमार श्रीवास्तव, कुमार श्रीवास्तव,
मीडिया कर्मियों से बात करते हुए जिलाधिकारी के विजयन पांडेन ने बताया, दिवस का जिला प्रशासन गोरखपुर की तौर से सबको हार्दिक शुभकामनाएं। वैसे आप जानते हैं गणतंत्र आज हम पूरे देश में तो भव्य रूप से मना रहे हैं, गोरखपुर में भी मना रहे हैं, और इस पर तो एक मूल मंत्र हमेशा याद रखें ताकि कोविड के बीच में हम मना रहे हैं। उम्मीद करते हैं तो ये कोविड जल्दी से जल्दी समाप्त हो जाए। मास्क पहने जरूर, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, हाथ बार बार धो लें। देखिए संविधान जो सारांश है भाईचारा से जुड़ा हुआ है। हम हमेशा हमसे नीचे कमज़ोर वर्ग है, हमारा साथी लोग का सहयोग करते रहें, ये एक सारांश है। और आज से संकल्प लें, हमारा साथी भला होगा तब हम भले होंगे। इसलिए तो मैं निवेदन करता हूँ आपका आसपास जो भी साथियों हैं, हो सकता है आपका परिवार के सदस्य हो, पड़ोस हो और गरीब हो, जो भी व्यक्ति हो, भाईचारा के साथ निभाइए और हम मिलजुल करके आगे बढ़ेंगे तब देश आगे बढ़ेगी। यही मेरा